देखा जाए तो पहले 18 वर्ष की उम्र में शादी की जाती थी, उसको देखते हुए सरकार ने अगर 21 वर्ष कर दिया है तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा किया। हम दो हमारे दो ये गलत है, हम दो हमारे 400 इसमें हम लोग इस सरकार से। देखिए जो संसद में अभी पारित हुआ है कि 21 वर्ष लड़कियों का जो उम्र 18 वर्ष में ही शादी कर दिया जाता था, अब उसको 21 वर्ष बढ़ा दिया गया है। और हमारे साथ आप लोग देख रहे हैं कि लड़कियां जो एक डिग्री कॉलेज में हम इस समय मलिकपुरा हैं और यहीं पे इकट्ठा हुई हैं, तो इनसे हम लोग बात करेंगे। और मैं सबसे पहले कुछ छोटी सी जानकारी आपको दे दूँ कि 1929 में जो है कि यह नियम बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में जो बुड्ढे होते हैं उनसे आप अगर पूछेंगे तो बताएंगे कि पहले तो जब लड़का अगर पैदा हो जाते थे तभी उनका शादी विवाह जो है कि सेट कर दिया जाता था, उसके बाद अपने समय पे किया जाता था। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि अंग्रेज़ जो है कि हम लोगों को बहुत प्रताड़ित करते थे, इस कारण जो है कि लोग अपना बचपन में ही शादी कर दिया करते थे। लेकिन 1929 में पारित किया गया नियम और बोला गया कि जितने भी लड़की होंगी वो 15 वर्ष के उम्र में ही शादी किया जाएगा, उससे नीचे अगर किया जाएगा तो उसको दंड उसको दिया जाएगा। और अब 1978 में आकर यह पारित किया गया है शारदा एक्ट के तहत कि अब लड़की जो भी रहेगी वो 18 वर्ष के उम्र में उसकी शादी की जाएगी। लेकिन लोगों ने ऐसा कर दिया था कि कुछ ऐसे मामले आते थे कि 18 वर्ष अभी पूरा नहीं होता था तभी उसकी शादी कर दी जाती थी। अब उसको 2021 में अब उसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया गया है लड़कियों का उम्र, अब शादी 21 वर्ष में होगी और 21 वर्ष से अगर नीचे होती है तो उसको नाबालिग के रूप में हम लोग मानेंगे। तो चलिए सबसे पहले छात्राओं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रिंकू बार। अच्छा बताइए, अभी लड़कियों का उम्र 21 वर्ष कर दिया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं कि नहीं 21 वर्ष कर दिया गया? खुश हैं। खुश हैं। क्या नाम है? सुषमा। अच्छा क्या नाम है आपका? सपना भारती। अच्छा अब पहले 18 वर्ष हुआ करता था लड़कियों की शादी, अब जो है कि 21 वर्ष कर दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? देखा जाए तो पहले 18 वर्ष की उम्र में शादी की जाती थी, उसको देखते हुए सरकार ने अगर 21 वर्ष कर दिया है तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको हम बहुत ही धन्यवाद करेंगे सरकार को। इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा वक्त टाइम भी मिलता है, परिवार भी सुधर जाएगा। इससे ये होता है कि परिवार को ये समझ में आ जाना चाहिए कि लड़कियां नाबालिग होती हैं तो शादी नहीं करना चाहिए, और 21 वर्ष की हो जाएंगी तो 21 वर्ष के बाद शादी करेंगे तो लड़की भी नाबालिग नहीं रहेगी और उसकी उम्र भी पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए और कुछ लोग हैं हमारे साथ, ये क्या नाम है आपका? संगीता। अच्छा तो 21 वर्ष कर दिया गया है तो लड़कियों को क्या दिक्कत आती थी उससे पहले, जब नाबालिग थी 18 वर्ष की उम्र था उसी समय कर दिया जाता तो क्या दिक्कतें आती थी? अच्छा सरकार से खुश हैं कि नहीं जब 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया है तो? खुश हैं हम। टाइम मिल जा रहा है पढ़ने लिखने के लिए भी और सोचने के लिए भी? हाँ मिल जा रहा है जी। चलिए और क्या नाम है आपका? प्रीति यादव। अच्छा तो अब 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया है तो उस समय जब नाबालिग थे आप लोग तो उसी समय कर दिया जाता था, माँ बाप का भी जो है कि भार खत्म हो जाता था, इस पर क्या कहेंगे? बहुत सरकार ने बहुत अच्छा किया हम लोग के लिए, बहुत अच्छा। माँ बाप को भी मौका मिल जाएगा और हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। पढ़ाई में भी दिक्कत आती थी, डिग्री भी आप लोग कर लेंगी? हाँ आगे जहाँ सेटल होना था वो अभी वहाँ पर भी हो जाएंगे सेटल। हाँ हम लोग आगे कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ लिख कर बन भी सकते हैं। माँ बाप का जो गरीबी हो हम लोग देख सभी सके आगे पढ़ा सकते हैं। चलिए और कुछ हैं, क्या नाम है आप लोगों का बताइए? दिशा सिंह। अच्छा अच्छा तो लड़कियों का उम्र हो गया है अब 21 वर्ष तो इस पे क्या कहेंगे, सरकार से खुश हैं या नहीं? खुश हैं। कई लोग तो विरोध कर रहे हैं जी, तो विरोध यानी इसको वापस कर लेना चाहिए या सही है? ये सही है। सही है ये? हाँ। क्यों सही है? लड़कियों को पढ़ने के लिए और घर को संभालने के लिए थोड़ा जरूरी भी है। अच्छा अच्छा। हाँ। यानी इसमें हर एक सुख सुविधा जो है कि हाँ। लड़की भी जो है कि अपना जो उनको अंदरूनी तंदुरुस्ती चाहिए वो भी मिल सकता है। हाँ। और पढ़ाई के लिए भी जो है कि अवेलेबल हम डिग्री अपना कर लेंगी। हाँ? है कि नहीं? हाँ। चलिए बढ़िया की है ना सरकार? हाँ। यस। जी हाँ तो क्या नाम है आपका? श्वेता यादव। अच्छा श्वेता जी तो ये बताइए कि अब बढ़िया है ना 21 वर्ष हो गया तो? जी सर। सही नहीं की है सरकार? सही की है सरकार। तो माँ बाप के ऊपर से अपना भार जो 18 ही वर्ष में करके हटा लेते थे, अब उनके बारे में क्या कहेंगे, माँ बाप के बारे में? माँ बाप
बाप का तो नहीं पता, लेकिन लड़कियों को तो अच्छा है ना कि माँ बाप के साथ इतने टाइम तक और भी मिल जाएगा और अपना सपना, अपना एम सब कुछ पूरा कर सकती हैं इसमें। अच्छा, तो पढ़ाई भी कर सकती हैं? हाँ। तो तैयारी अब हो रही है कि नहीं पढ़ाई, मतलब आगे फोर्स सोर्स की या तो जो है कि रेलवे में? तैयारी तो हो ही रही है इस टाइम ना। अच्छा, और समय भी मिल जाएगा? समय भी मिल रहा है। तो इसमें सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कर रही है सरकार, मतलब हम लोग के लिए ये कदम बहुत अच्छा उठाई है, यानी धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ, धन्यवाद तो देंगे ही। तो ये सरकार सही है लड़कियों के लिए कि, यानी जो है कि? सही है लड़कियों के लिए, परफेक्ट है। परफेक्ट है? अच्छा अच्छा, चलिए, ये लड़कियों के लिए परफेक्ट है कि नहीं सरकार? परफेक्ट है। परफेक्ट है? हाँ, ये परफेक्ट है। तो लेकिन और भी चीज़ें तो हैं, वैकेंसी शायद लोग कह रहे हैं गांव-गांव में जाने पे कि नहीं निकाली है सरकार, इसमें क्या कहेंगे? बंद है ना इस समय, अभी वैकेंसी कहाँ पर आई है? तो वैकेंसी नहीं निकाल रही है? लेकिन नहीं, कहाँ निकाल रही है? तो जैसे कि 21 वर्ष कर दिया गया है, ये तो काम बढ़िया की गई है, लेकिन वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग को वैकेंसी निकलेगी तो हम लोग इतना पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ बनने के लिए तैयारी करेंगे जी। तो अखिलेश सरकार में लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है कि लोग हुए थे नौकरी अपना पाए हुए हैं। हाँ, वे लोग तो मेरिट पे हुए हैं लोग ना। अच्छा, पढ़ाई पे नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? पढ़े हैं तभी ना मेरिट पे हुए हैं लोग। पढ़े हैं तभी ना मेरिट आया है। हाँ। तो ये तो 21 वर्ष कर दिया गया, लेकिन अब इस वैकेंसी भी आनी चाहिए। हाँ, तो ये सरकार तो निकाल नहीं रही, तब कैसे सही हो गई? अगर हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो प्रमोट रिजल्ट कर दिया जा रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, इसकी वजह से बच्चों का रिजल्ट खराब हो रहा है। तो इसमें हम लोग इस सरकार से इसलिए सहमत नहीं है, क्योंकि एग्जाम होना चाहिए। और 21 वर्ष कर दिया गया, इस पे सहमत है कि नहीं? सहमत है, इस पे बढ़िया है। हाँ, ये बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। लेकिन ये अगर जो है कि उम्र तो बढ़ा दिया गया है, बढ़िया है, लेकिन अब ये निकाल नहीं रहे वैकेंसी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? इसके बारे में हम चाहेंगे कि जैसे कि अखिलेश की सरकार में वैकेंसी आती थी, वैसे इनके सरकार में भी आनी चाहिए। तो अब 4.5 साल बीत गया, अब तक वैकेंसी नहीं आई, तो अब क्या निकालेंगे? अब कुछ नहीं निकालेंगे। और नहीं, ये तो गलत है ना, ये गलत है, निकालना चाहिए इनको। हाँ। चलिए, कुछ लड़के भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि ये जो उम्र बढ़ा दिया गया है, और लड़के जो पहले उनको 18 वर्ष में ही उनका भी शादी कर दिया जाता था, अब उनको भी 21 वर्ष कर दिया गया है, या इन लड़कों के मुताबिक उनको बराबर कर दिया गया है लड़कियों को। हैं, तो कहाँ है, आप नहीं पढ़ाई करते हैं? पढ़ते हैं ना, तब कहाँ नहीं बोलेंगे? ये लड़कों से संबंधित सवाल ही नहीं है तो लड़के क्या बोलेंगे? नहीं, आप जैसे कि आप लोगों का 21 वर्ष में हो जाता था लड़कियों का, तो अब नहीं, 18 वर्ष में हो जाता था ना, तो अब 21 वर्ष कर दिया गया है, तो सरकार सही की है या गलत? हम लोग के हिसाब से तो गलत की है। काहे गलत की है? क्यों नहीं, वैकेंसी तो पहले आ ही नहीं रही है। पहले लड़के जब वैकेंसी में जैसे कोई नौकरी नहीं पाएंगे तो शादी ब्याह करके क्या करेंगे? हम करें क्या करेंगे बताइए? अरे तो जिनकी हो गई है उनकी ना, तो क्या किसकी 21 वर्ष की उम्र में किसकी वैकेंसी हो गई है, कौन भर्ती हो गया है पहले बताइए तो, कोई है 21 वर्ष में? यहाँ पर लड़के जो रहे हैं वैकेंसी तक नहीं आ रही है, उम्र भी इतनी चल जा रही है। मोहम्मद इरफान इदरीसी। सही किया है सरकार की नहीं सही किया? नहीं, गलत किया है। गलत किया है, काहे ऐसा क्यों? नहीं, सरकार गलत किया है, हम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्ब है, और जो पढ़ाई में डिस्टर्ब है, यानी जल्दी आप लोगों की शादी हो जाएगी? अरे शादी जब होगी तब देखी जाएगी, अभी तो नहीं हो रही है। नहीं, कहने का मतलब कि 18 वर्ष से 21 वर्ष बढ़ा दिया गया है कि नहीं? वो तो है। तो अब सही है या गलत है? ये सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये सही है। ये गलत क्या था? चलिए, जनसंख्या नियंत्रण भी हुई। अच्छा, हाँ, इससे जनसंख्या नियंत्रण, हाँ, पढ़ाई लिखाई भी कर लेंगी सब लड़की भी, अपना सब काम। हम दो हमारे दो, ये गलत है। क्या है, हम दो हमारे 200-400। वो अपना वोट बढ़ाने के लिए रावण बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।